गुजरात की कच्छ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ छात्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रोफेसर के मुंह पर काली पोत दी। इतना ही नहीं था, छात्रों ने प्रोफेसर का जुलूस भी निकाला। ये घटना कल की बताई जा रही है। कल छात्र चुनाव को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि अगले महीने होने वाले छात्र चुनाव में से कई छात्रों के नाम काट दिए गए। यूनिवर्सिटी में अगले महीने छात्र चुनाव है। दरअसल कल छात्र अपनी शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी के चुनाव अधिकारी गिरीन बख्शी के पास पहुंचे थे। छात्रों ने पहले तो जमकर हंगामा किया और फिर प्रोफेसर गिरीन बख्शी के चेहरे पर कालिक पोत दी। पोती गई कालिक में कुछ ऐसा था कि प्रोफेसर बख्शी के चेहरे पर जलन होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुलपति सी बी जडेजा ने इस घटना की निंदा की है। जडेजा का कहना है कि छात्रों की तरफ से किए गए इस हमले की जानकारी पुलिस को फोन कर दे दी गई है। उन्होंने पहले से ही यूनिवर्सिटी के कार्यकारी परिषद की एक बैठक बुलाई है। नियम के अनुसार मामले की कानूनी कार्रवाई भी होगी। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में एबीवीपी के 15 से 20 छात्र शामिल।